आता एक अनोखा सवाल सगळ्यांच्या समोर उपस्थित होतोय. 40% मुंबईकर स्वबळावर कोरोनामुक्त झाले, यात तुम्ही काय करून दाखवलं? भाजपा नेते आमदार ॲडव्होकेट आशिष शेलार यांचा पालिका आणि राज्य सरकारला सवाल आहे. नीती आयोग आणि खुद्द महापालिकेनं अलीकडेच महापालिकेच्या 3 प्रभागांमध्ये अँटीबॉडी टेस्ट केल्यात. त्यानुसार झोपडपट्टीतील 57% तर इमारतींमधील 16% रहिवाशांना कोरोना होऊन गेल्याचं समोर आले. तर थायरोकेअर लॅबनं केलेल्या अँटीबॉडी चाचण्यांमध्ये वरळीमध्ये 32.15%, घाटकोपरला 36.7%, सांताक्रूजला 31.45%, तर बांद्रा पश्चिमेला 17% जणांना कोरोना इन्फेक्शन होऊन गेल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. याचा सरळ अर्थ असा आहे की सुमारे 40% मुंबईकरांना कोरोना होऊन गेलाय. त्यांनी स्वबळावर त्यावर मात केली, मग राज्य सरकार आणि महापालिकेनं केलं काय असा सवाल शेलार यांनी केला आहे. नीति आयोग और मुंबई महानगरपालिका ने मुंबई के 3 वार्डो में एंटीबॉडीज टेस्टिंग की. रिजल्ट सामने ये आया कि 57% मुंबई के स्लम्स में खुद ही लोगों ने एंटीबॉडीज डेवलप की. इसका मतलब कोरोना से वो लागत थे. करीबन 16% बिल्डिंग एरिया में लोगों को जो कोरोना लागत हुई थी उसमें से एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, सर्वे का रिपोर्ट कहता है. एक प्राइवेट लैब का रिपोर्ट कहता है कि करीब 25% लोगों ने स्वयं एंटीबॉडीज डेवलप की है. इसका मतलब अगर हम देखें तो 40% मुंबई वासियों को कोरोना हो चुका और उन्होंने स्वयं एंटीबॉडीज डेवलप की है. तो राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका ने किया क्या है? जो दावा मुंबई महानगर पालिका और राज्य सरकार कहती है वो सरासर झूठ है. हमने मांग की थी कि स्लम्स में जो पब्लिक टॉयलेट है उसको सैनिटाइज और क्लीन किया जाए, महापालिका कर नहीं रही. हमने मांग की थी बिल्डिंग्स को सैनिटाइजेशन कंटिन्यू किया जाए, मुंबई के बिल्डिंगों के सैनिटाइजेशन को रोक दिया गया. हमने मांग की कि 1,00,000 लोगों की एंटीबॉडीज टेस्ट की जाए, वो कर नहीं रहे. राज्य सरकार और मुंबई महानगर पालिका अपने प्रयासों को कम न करे. नागरिकों ने स्वयं एंटीबॉडीज डेवलप की है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप भी टेस्टिंग बढ़ाएं.